पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा नीलू और सीता कैसे बेघर हो गए थे। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर सभी लोग अपने खेत की जमीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर कुछ मेहनत कर रहे होते हैं। चलो चलो चटपटी, अब तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, बहुत ही मेहनत करनी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को खुद से ही घर बनाना पड़ेगा। बस हमारे पास अब एक ही चारा है, क्योंकि हमारे पास बस ये जमीन ही बची हुई है। अरे हाँ दीदी, अब मैं आपके साथ मदद तो करवा ली हूँ ना, रुके रुके मैं भी मिट्टी इकट्ठी करती हूँ। अरे चलो चलो मैं जल्दी से मिट्टी लेकर चलती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो देखो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा मुझे, देखो तो कितना ज्यादा भारी है, ये उठ भी नहीं रहा है, उठने को नाम भी नहीं ले रहा है। बाप रे बाप, देखो तू जरा, चलो चलो जल्दी से लेकर चलता हूँ। और फिर यहाँ पर महेश कुछ लकड़ी लेकर जाने लगता है। ये सारी लकड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी, यहीं से हम अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे। अरे राम भाई जल्दी जल्दी काटो सारी लकड़ी। और यहाँ पर राम सारी लकड़ी काट रहा होता है। अरे हाँ हाँ भैया मैं काट रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी सारी लकड़ी यहाँ से लेकर चले जाइए। अरे चलो ये सारी बेल हटा देती हूँ मैं यहाँ से, बाद में हम लोग फिर अच्छे से पौधे लगाएंगे ढेर सारे। अब तो हमें इन्हें उतारना ही पड़ेगा, हमारा घर यहीं से बनना स्टार्ट होगा, हम लोग सब मेहनत करके खुद से ही घर बनाएंगे। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और इधर नीलू भी कुएं से पानी लेकर आ रही होती है। अरे देखो मैं कुएं से पानी लेकर आ गई हूँ। अरे चलो मैं सारा पानी लेकर महेश जी को दे देती हूँ, वो मिट्टी इकट्ठी कर घोल रहे हैं, वो मिट्टी का पेस्ट बनाएंगे तो तभी तो हम लोग अपना घर अच्छे से बना पाएंगे। अरे नीलू जी जल्दी से पानी लेकर आ जी, देखिए मैंने ये अच्छे से बना लिया है। अरे हाँ हाँ महेश जी ये लीजिए, मैं सारा पानी लेकर आ गई हूँ, आप तब तक ये इस्तेमाल कीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। चलो चलो जल्दी से और ले आती हूँ। सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन मालिक साहब को क्या मिला हमें घर से बाहर निकाल कर आखिर। हाँ अरे चलो चलो मैं जल्दी से पापा को मिट्टी देकर आ जाती हूँ, तुम चटपटी और मिट्टी इकट्ठी करो तब तक। लीजिए पापा और मिट्टी ले आई हूँ मैं, थोड़ी और लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा अच्छे से ले आओ, तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो। और यहाँ पर शिवम भी पानी लेकर आ रहा होता है। पानी पानी ये लो, सब लोग पानी पियो। यहाँ पर शिवम सभी के लिए पानी पीने के लिए ले आया है। अरे वाह शिवम को तो देखो, सब लोगों के लिए पानी लाया है पीने के लिए। चलो चलो जिस जिसको प्यास लगी है सब लोग पानी पी लो। अरे हम लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं है, हम लोगों को कुछ खाने के लिए भी तैयार करना चाहिए दीदी और मुझे। हमारे पास यहाँ पर गैस सिलेंडर और सारा सामान तो है ही, हम लोग कुछ खाने का तैयार कर लेते हैं। मैं दीदी को बोलती हूँ, तब तक सब लोग घर बनाने में बिजी है, हम लोग कुछ खाना बना लेते हैं, सब लोगों को भूख भी तो लगी होगी। दीदी दीदी कहाँ पर है आप? अरे हाँ दीदी तो पानी लेने के लिए गई है। लो आ जाने दो। अरे राम अच्छे से बनाना घर, ठीक है ना, तुम्हें मिट्टी का पेस्ट बनाकर दूंगा, तुम अच्छे से करना चिनाई। अरे हाँ भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से ही चिनाई करूंगा, एकदम मजबूत घर बनाऊंगा अपना। देखना हम लोग यहाँ पर कितने खुश रहेंगे और हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, इससे हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। चलो चलो जल्दी से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? अरे हाँ यहाँ पर हम लोग अपना कमरा बनाएंगे सुंदर सा, और इधर बनाएंगे हम अपना रसोई। अरे हाँ यहीं पर रसोई बनाना चाहिए हम लोगों को। चलो चलो यहीं पर रसोई बनाना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। और फिर यहाँ पर राम अपना घर बनाना शुरू कर देता है। भैया भैया अच्छे से और बना दीजिए, मैं दीवार बनाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर एक बड़ी दीवार बना दूंगा, इससे हमारा रसोई बनकर तैयार हो जाएगा। चलो चलो जल्दी से बनाता हूँ, बच्चों और ईंटें लेकर आओ। अरे थैंक यू तुम्हारा शिवम, तुम हमारे लिए पानी लेकर आए, हम लोग कितना थक गए थे, कितनी प्यास भी लगी थी। अरे हाँ दीदी। अरे क्या बोल रही हो सीता, क्या कह रही हो तुम? अरे दीदी मैं ये बोल रही थी कि सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ खाना बना ले। अरे लेकिन सीता हम लोग क्या बनाएंगे ऐसे में? दीदी हम लोग भूखे थोड़े ही ना रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा। अरे हाँ दीदी एक काम करते हैं, हम लोग कढ़ी चावल बना लेते हैं। अरे वाह सीता तुमने सही आइडिया दी एकदम से, कढ़ी चावल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे ऐसे में, है ना। जंगल में कढ़ी चावल खाने का मजा ही कुछ और होगा। एक बच्चे को पास वाली दुकान से बेसन और दही लेने के लिए भेज दो, ठीक है ना। अच्छा रुके दीदी मैं अभी बुला लेती हूँ। अरे स्वीटी को बुलाती हूँ। स्वीटी स्वीटी बेटा इधर आओ। अरे हाँ सीता आंटी क्या हुआ, क्या बात है? स्वीटी स्वीटी जाओ जाओ अपने पापा से पैसे लेकर पास वाली दुकान से बेसन और दही लेकर आ जाओ, ठीक है ना। और हाँ चावल भी ले आना, आज हम लोग जंगल में ही कढ़ी चावल बनाएंगे। अच्छा ठीक है सीता आंटी मैं अभी चली जाती हूँ, जल्दी से लेकर आ जाती हूँ सारा सामान। अरे दीदी जल्दी से हम लोग कुछ तैयारी कर लेते हैं तब तक। अरे भैया देखिए ना मैं ठीक से तो चिनाई कर रहा हूँ ना, अच्छे से दीवार यहाँ पर कैसा बना है, ठीक तो रहेगा ना हमारा रसोई। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर मैं अच्छे स्लेब भी डालूंगा, पर सीता जी और नीलू भाभी अच्छे से अपने बर्तन लगा सकती है। अरे हाँ राम एकदम से बढ़िया चिन रहे हो तुम, हमें किसी मिस्त्री की भी जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस एकदम से मजबूत चिनना, ठीक है ना। हाँ भैया आप देखना सब लोग देखते ही रह जाएंगे, हमारा घर में ऐसा घर बनाऊंगा इस बार। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर राम अपना घर बनाने लगता है। अरे वाह दीदी देखिए ना खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी आ रही है कढ़ी में से। अरे वाह देखो तो कुछ देर में कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं राम जी और महेश भैया को बोलकर आती हूँ, वो हाथ मुंह धो ले तब तक, ठीक है ना।
अरे हाँ सीता, जाओ जाओ जल्दी से दोनों को बोलकर आओ। राम जी, महेश भैया, जल्दी से बस अब अपना काम बंद कर दीजिए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, हम लोग लेकर आ रहे हैं। अरे चलो चलो जल्दी से, मैं सारा खाना लेकर चलती हूँ, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। और फिर यहाँ पर नीलू खाना लेकर जाने लगती है और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। अरे सीता चलो चलो जल्दी से सबको खाना परोसो। और यहाँ पर सीता ने सभी लोगों कढ़ी चावल परोस कर दे दिए हैं। खाओ खाओ सब लोग, अच्छे से खाओ, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और यहाँ पर सभी लोग कढ़ी चावल का मजा लेने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सीता आंटी और मम्मी कढ़ी चावल के लिए।